फ़ोन में बैटरी बहुत कम है, तो जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी उतना मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊँगी आपको कि कैसा है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ मसूरी ब्लॉग। सो ये देख सकते हो आप, ये बोर्ड लगाया कंपनी गार्डन का, मतलब कैप्टिव फॉल से जब आप वापस आओगे तो ये बोर्ड आपको मिलेगा और आपको इसी रास्ते पे जाना है। मतलब कंपनी गार्डन भी इसी रास्ते में पड़ता है, कैप्टिव फॉल आगे पड़ता है, ये पीछे पड़ता है। सो एक ही रास्ते पर है ये कैप्टिव फॉल, बुद्धिस्ट टेम्पल और कैप्टिव फॉल। तो ये है स्कूटी जैसे कि मैंने सुबह ले ली थी और शाम तक 8 बजे तक ये मेरे पास ही रहेगी। तो फटाफट मैं पहुंच गई हूँ यहाँ कंपनी गार्डन। आप देख सकते हो बाहर का व्यू किस इस तरीके से है यहाँ पर। सो जैसा कि आप देख सकते हो शाम हो गई थी, बहुत ही प्यारा सीन लग रहा था। हाय सुनीति, हाय। तो मैंने यहाँ फटाफट स्कूटी पार्क करी और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और फटाफट टिकट ख़रीदा, क्योंकि 6 बजे ये बंद हो जाता है और आई थिंक 5:30 बज चुके थे। तो मैंने टिकट ख़रीद लिया। 25 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री चार्जेस है यहाँ के, और चलते हैं अंदर। सो एंट्री करते ही आपको कुछ इस तरीके से सीन्स दिखाई देंगे और बिल्कुल सामने आपको दिखेगा ये बढ़िया सा फाउंटेन। और यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवाने वाले भैया भी थे, यहाँ पे कह रहे थे पिक्चर्स बनवा लो, तो पिक्चर्स तो नहीं करवानी थी। तो ये बहुत ही प्यारा सा फाउंटेन दिखा, बहुत मज़ा आया इसके साथ, मैंने फ़ोटोज़ भी खींची। और आप और अंदर जाते जाओगे तो आपको बहुत सारे झूले वगैरह मिलेंगे, ऐसे ही फाउंटेन्स मिलेंगे अंदर। काफ़ी अच्छा था, खाने पीने का भी स्टॉल्स बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे अंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। सो गाइस, अभी यहाँ कंपनी गार्डन आए हैं हम लोग और ये 6 बजे बंद हो जाता है। तो ये यहाँ पे ऐसे ही है, बैठने बैठने का है मस्त। यहाँ पे लेट हो गए हम लोग इधर आना का। आप यहाँ पे जब भी आइए, दिन में आइएगा तभी आप बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लोर कर पाओगे, रात में तो कहाँ ही एक्सप्लोर करोगे। फ़ोन में बैटरी बहुत कम है, तो जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी उतना मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊँगी आपको कि कैसा है। ओके, यहाँ पे ये फूड कोर्ट है इधर ही, चलो चलते हैं देख के आते हैं कि इसमें क्या है, कुछ अच्छा होगा तो खा के आते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी हैं, आई थिंक अब ये बंद होने वाला है तो यहाँ पे ज़्यादा चल भी नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए यहाँ ड्रैगन वाला झूला भी है अंदर का फूड कोर्ट। खाना है कुछ? यस, ये बच्चों का खेलने का, और ये रहा फूड कोर्ट। तो ये है वैक्स म्यूजियम ऊपर, आई डोंट नो क्या है यहाँ पे, देखते हैं क्या है इसका प्राइस। स्टॉल भी है ये नेचर हट का, सीनू टू डायबिटीज, कुछ भी खरीदना तो खरीद सकते हो। तो यहाँ पे ना बच्चों के लिए बहुत सारे झूले हैं और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए, और बड़ों के लिए भी हैं। तो आप जितना ही अंदर जाते जाओगे उतनी आपको ये शॉप्स मिलती जाएंगी। बोटिंग के चार्जेस 500 रुपीज़ पर पर्सन थे। ओ वाह, बोटिंग भी होती है यहाँ पे, लुक कैच दिस व्यू गाइस, वाह। इतना अच्छा व्यू था ना गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब इसके साइड में आप मैगी खाओ, चाय पियो, बैठ के अपने लव पॉइंट्स के साथ, मज़ा ही आ जाए भाई, बहुत ही अच्छी जगह थी। और सो अभी अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, ऐसे ही झूले वगैरह थे, शॉप्स वगैरह थे, तो मैंने सोचा आप वापस चलते हैं। जो वैक्स म्यूजियम था उसके जो चार्जेस थे वो 118 रुपीज़ पर पर्सन था, और उसमें कुछ भी नहीं था, जो स्टैचूज होते हैं ना जैसे अमिताभ बच्चन और सुपर स्टार्स के जितने भी स्टैचूज होते हैं वो वहाँ बने रहते हैं, वो वैक्स के होते हैं। तो बस उसे ही वही है म्यूजियम के अंदर। तो अभी हमें टाइम नहीं है ज़्यादा, हमें बुद्धिस्ट टेम्पल भी घूमना है, तो अभी निकलते हैं और कभी और इसे विज़िट करेंगे। 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है वर्चुअल राइड का, तो आप वो भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी जब आप एंट्रेंस करते हो ये शॉप्स पड़ जाती हैं यहाँ पे। तो अभी ये मैं बिल्कुल बाहर आ चुकी हूँ यहाँ पे। सो गाइस, हमने कंपनी गार्डन घूम लिया है, अब चलते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल को घूमने फटाफट। आई थिंक वो भी बंद हो जाता है 6 बजे तक, तो चलो फटाफट चलते हैं। टिकट के चार्जेस यहाँ कंपनी गार्डन के 25 रुपीज़ पर पर्सन है, ठीक है, चलो चलते हैं फटाफट वहाँ पे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो ये पिक बुद्धिस्ट टेम्पल की ही है, मैं बुद्धिस्ट टेम्पल एक्सप्लोर नहीं कर पाई, मैंने बाहर से ही केवल देखा उसे, क्योंकि अंदर बहुत लेट हो चुका था, आई थिंक बंद हो गया था मंदिर में, पूजा वगैरह हुई थी, तो मैं मुझे डर लग रहा था, मैं अंदर गई नहीं। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं मॉर्निंग में इसे विजिट करूँ। आप लोग ज़रूर इसे विजिट करना, बहुत ही प्यारा ये मंदिर है। और ब्लॉग कैसा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और
और पार्ट 5 मिस मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है पार्ट 5। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।